विश्वकर्मणे नमः। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। आज हम भगवान विश्वकर्मा जी के अवतार भाग तीन में भगवान विश्वकर्मा जी के षष्ठम अवतार तुष्ट विश्वकर्मा और सप्तम अवतार ब्रह्मकुल विश्वकर्मा के बारे में आपको बताएंगे। भगवान विश्वकर्मा जी के षष्ठम अवतार तुष्टा विश्वकर्मा जी का अवतार देवगुरु बृहस्पति जी की बहन सिद्धा देवी और उनके पति प्रभास विश्वकर्मा जी के यहाँ हुआ था। इस अवतार में भगवान तुष्टा विश्वकर्मा जी की शादी भक्त प्रहलाद की पौत्री विरोचना देवी जी से हुई। भगवान तुष्टा विश्वकर्मा और विरोचना देवी जी के दो पुत्र व दो पुत्रियों का जन्म हुआ। कुल प्रकार कुल चार संतानें थी। दो पुत्रों में पहले पुत्र का नाम था विश्वरूप और दूसरे पुत्र का नाम था सन्निवेश। दो पुत्रियों में पहली पुत्री का नाम था पद्मा और दूसरी पुत्री का नाम था ऊर्जस्वती। इस अवतार में भगवान विश्वकर्मा जी के इस अवतार में वृत्तासुर का वध हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे भगवान विश्वकर्मा जी के सप्तम अवतार ब्रह्मकुल विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा जी का यह अवतार धरातल जी किस शापवश हुआ था। इस अवतार में भगवान विश्वकर्मा जी का यह जन्म काशी नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और धृताजी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। कहने का तात्पर्य है बनिया परिवार। इस अवतार में धृताजी और भगवान ब्रह्मकुल विश्वकर्मा जी के नौ पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें से पहले पुत्र का नाम था मालाकर, दूसरा शंखकार, तीसरा रथकार, चौथा चितारा, पांचवा नटकार, छठवा धृतकार, सातवा वाद्यकार, आठवा सूत्रकार, नौवा हस्तकार। इन नौ पुत्रों के इस अवतार में भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज।